हाँ जी दोस्तों, की हाल चाल है? काफ़ी टाइम बाद अज कोई प्रोग्राम बना रहे हैं ते काफ़ी टाइम बाद अज वीडियो भी शूट कर रहे हैं। साडा प्रोग्राम बनिया एमरजेंसी ते हुण असी रात दे तकरीबन 9:30 हो चुके हैं, निकल लगे हैं ते असी जा रहे हैं मनाली, क्योंकि कल दा स्नो दसी हुई है। सोचते हैं भी स्नो जाके इंजॉय करिए। चलो तुहानू भी दिखाने रस्ते दे नज़ारे ते नाल मनाने अपने सारे यार दोस्तों नाल जो साडे नाल जा रहे हैं। बने रहो ब्लॉगों दे विच, आणगे हुण 2-3 दिन वधिया वधिया ब्लॉग, इंजॉय करियो। पता लग जाना भी हाँ भी यार फर्क पिया कुछ किलोमीटर मैप दस रहे टाइम ओ प्रदीप। हाँ जी दोस्तों, पहुँच चुके आप हिमाचल की एंट्री ते आप रुके हैं इतने रोटी पानी खाने वास्ते, चाह पानी पीने वास्ते। तो ये ने अपने मित्र बुलाने तू, पहला मिलो सुखविंदर सिंह। सत श्रीकाल जी सारे। होर कि बहुत वधिया, बहुत वधिया जी। कि जा रहा टूर अपना? टूर बहुत वधिया जा रहे पूरे फल। तो ये अपने पिछे ब्रदर। सत श्रीकाल भाई सारू। ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ? ਵਧੀਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਈ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੰਜੋਏ ਫੁੱਲ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਖਾਣਾ? ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੱਕੀ ਰੋਟੀ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਫਰੈਂਡਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਮਾਤਲਾ ਜੀ ਖਾਈਏ ਸਾਗ। ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ। हेलो जी, आप ऑर्डर किए दाल चौल, कड़ी, मक्की दी रोटी नाल सलाद ते तुहानू प्रोसीजर। अज तुहानू प्रोसीजर दिखाईए किवें बनता है। ये बिल्कुल नैचुरल तरीके नाल तैयार करते हैं। हाँ देखो, पट्ठी दे उत्ते मक्की दी रोटी वगैरह सब कुछ ये अंकल सर्व करते हैं। अंकल ये कौन सी जगह है? डैनी। डैनी, ठीक है जी, ठीक है। यहाँ पे सब रुक के जाना है, बहुत बढ़िया खाना है इनका। दोस्तों इस ढाबे का खाना इतना स्वाद था ना, बहुत ही ज़्यादा। आपको भी रिकमेंड करूँगा, जब भी आप मनाली की तरफ जाएं तो आना। ये देखो इनका एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह दिया हुआ है, यहाँ पे ज़रूर ट्राई करके जाना। मक्की की रोटी, ठीक है, और दाल चावल और कड़ी, बड़े स्वाद हैं इनके। अब चलते हैं आगे। आगे का रास्ता आपको दिखाते हैं क्या होता है आगे। अभी रात के बज चुके हैं 1, सुबह पहुंच जाएंगे तकरीबन 6-7 बजे। गूगल मैप दिखा रहा है, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। सुबह स्नोफॉल भी बताई हुई है। आप बोलोगे अभी मैं हिंदी बोलने लगा हूँ, लेकिन थोड़ा चलता है पंजाबी में हिंदी मिक्स। चलो बने रहो ब्लॉग में, आगे और दिखाते हैं आप। हाँ जी दोस्तों, देखो रास्ता जी, तुहानू रोड कंडीशन दिखाने हैं किदां दी है। ये आ गया जी हिमाचल का एंट्री गेट, तो रास्ता बहुत वधिया बन गया है, 4 लेन। तो रस्ते विच टनल भी आदि तुम दिखाने हैं। हाँ देखो जी, पहले नंबर वाली टनल, टनल आन करके रास्ता बहुत ज़्यादा पहले नालों फर्क पै गया है। जिमें पहला लगते सी लुधियाने तो 10 घंटे जाने के, हुण तकरीबन 7 घंटे आप लुधियाने तो मनाली पहुँच जाने। देखो टनल कितनियां सोहने तरीके बनाई हुई, लाइट का पूरा प्रबंध है, बहुत वधिया कंडीशन है।
अगे अगे तुहानू होर दिखाने आ। ये तो पहली टनल सीगी, हुण इस तो बाहर निकल आए हैं। देखो तो इस दे नाल ही दूसरी टनल स्टार्ट हो जाती है, नंबर दो टनल। बहुत वधिया ढंग नाल बनाया होया मतलब रस्ता है, टनल भी बहुत वधिया डिजाइन कीतियां होईयां, सारा कुछ ध्यान रखते हुए। ये नाइट का व्यू है क्योंकि आपां रात नूं चले सीगे, तां करके ज़्यादा कुछ आपां दिखा नहीं सकते सी आले दुआले वाला। तो रोड कंडीशन तुहानूं दिखा रहे हैं लुधियाने तो मनाली तक दी, किवें दी रोड कंडीशन है। बस रस्ता एक नंबर, बहुत ही वधिया कंडीशन दा रोड बने हुए हैं। देखो तुसी, फिर टनल आ गई एक होर। तो टनल कम चल रहा कई टनल का, बट ये चालू कंडीशन च है, कुछ हजे अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी जल्दी शुरू हो जाएगियाँ। जो शुरू होणगियां ते मनाली का सफ़र होर ज़्यादा नेड़े हो जाना, ज़्यादा लंबा सफ़र करने की जरूरत नहीं है। बट रोड कंडीशन बहुत वधिया, बहुत ही ज़्यादा वधिया, तुसी आप भी देख सकते हो किन्ने वधिया ढंग नाल रोड ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। टनल भी बहुत वधिया, मतलब जिमें कुल्लू आके कच्ची टनल आती है, उस तो वधिया यह रोड है, बहुत ही ज़्यादा वधिया। हाँ देखो जी, मॉर्निंग हो गई सानू तुरिया हुआ, ये मनाली तो 15 किलोमीटर पहला दे व्यू है। स्नो इस बार बहुत ज़्यादा हुई है, तो चारे पास तुसी देख सकते हो स्नो ही स्नो है। तो अगे तुहानू मनाली का व्यू भी दिखावांगे किवें है। बने रहो ब्लॉग दे विच, ऐदां सपोर्ट करते रहो। लो जी पहुँच चुके हैं मनाली। मॉर्निंग बहुत ठंडी ठंडी मॉर्निंग, बहुत ज़्यादा ठंड है इत्थे। तुहानू दिखाने हैं बाकी व्यू आले दुआले दे, जाम बहुत तगड़ा लग्या होया मनाली विच, बहुत लंबा जाम, एक घंटे तो फसे हुए हूँ इत्थे, पता नहीं कदों तक खुलेगा। सुनो देखो देखो जी, जाम ही जाम ही जाम, आस पास के नज़ारे, आले दुआले नज़ारे पूरे फुल वधिया है ना। स्नो होगी अज अपने वाल, अच्छा जाम दा भाजी आ रहा बजा घूम नज़ारे जाम देखो ओ तक तक थोड़ा जूम करके जो मैं दिखावा तो देखो ओ तक जाम ही जाम। देखो जी आले दुआले का व्यू बहुत ज्यादा बढ़िया, सूर्य देवता आ गए बहुत ज़्यादा जाम है, गड्डियाँ स्लिप कर रही, ब्लैक आइस हुई हुई है रोड पे सारे, पे 4x4 गड्डियाँ ही आ रही हैं ऊपर तक। देखो इधर टायर की स्लिप बजी जानी है, मैं तुम दस रहा वो अपने उधरों आल्टो लेके आई छोटी जी, वो भैन चो आराम लेके उपर चढ़ा के न्यायपालिका देखो जी स्लिपा कर लिया गड्डिया, देखो 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 लै गया भाई, लै गए लै गए लै गए, ये होंगे एक्सपीरियंस।
ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਰਫ ਹੀ ਬਰਫ, ਬਰਫ ਹੀ ਬਰਫ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਲੰਚ, ਮਿਕਸ ਵੈੱਜ, ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ, ਰਾਇਤਾ, ਸਲਾਦ ਅਤੇ ਤਵੇ ਵਾਲੇ ਫੁਲਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ, ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? ਡੇਢ ਵਜੇ ਖਾਧੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਮੂਰਤ ਕਰੋ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਤਰਾ ਕੱਢੇ ਪਏ, ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਜੀ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘੁੰਮਣ ਹੁਣ ਮਾਰ ਰੋਡ ਤੇ। ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰੋਡ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ। ਫੁੱਲ ਸਨੋ ਹੀ ਸਨੋ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੋਟਲ, ਹੋਟਲ ਅੰਬਿਕਾ। ਲਓ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਮਾਰ ਰੋਡ। ਦੇਖੋ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ, ਮਾਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੈ। ਸਨੋਅ ਦੇਖੋ, ਪੂਰੀ ਸਨੋਅ ਜੰਮ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਸਨੋਅ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈ ਬਟ ਹਜੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਾ ਭਾਜੀ। ਮਾਰ ਰੋਡ ਤੇ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਆ ਨਾ ਅੱਜ, ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਨਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀਕਐਂਡ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅੱਜ, ਵੀਕਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਸੈਚਰਡੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਟੂਰਿਸਟ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸਨੋਫਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਨੋਫਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਫੋਰਕਾਸਟ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸਨੋਫਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਮਾਰ ਰੋਡ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲ। ਆਪਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਮਲਾਈ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ, ਰੈਡੀ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਗਰਮ ਹਲਵਾ। ਲਓ ਜੀ ਕਰੋ ਚੇਸ, ਚੇਸ ਕਰੋ, ਚੇਸ 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 ਕਰੋ। ਸਨੋਅ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰ ਲਓ ਚੇਸ। ਚਲੋ ਜੀ ਕਰੋ ਮਲਾਈ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਇੰਜੋਏ। ਆਜੋ ਮਿੱਤਰੋ ਐੱਗ ਬੋਇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅੱਜ ਅਤੇ ਐੱਗ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਆਹ ਰੱਖ ਤੀ ਉੱਤੇ ਟਰੇ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਂਡੇ ਸੈੱਟ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗਣੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਣਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤਾਂ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚਾਲੂ। ਚਲੋ ਜੀ ਦੇਖਦੇ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ। ਛੋੜੋ ਯਾਰ, ਛੋੜੋ ਯਾਰ।